आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा मुख्यालय बिहार शरीफ नगर के अस्पताल चौराहा पर लहेरी थाना प्रभारी सुबोध कुमार का पुतला दहन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व नालंदा जिला राजद उपाध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद पप्पू यादव ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपराधियों एवं शराब माफियाओं को शह देने वाले थानेदार सुबोध कुमार को अविलंब हटाकर इनके भ्रष्ट क्रियाकलापों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। इस मौके पर लोजपा जिला प्रवक्ता रवि अजगर, निगम पार्षद चंदन कुमार, अधिवक्ता रंजीत कुमार, विशुनदेव यादव, विनोद यादव, दयानंद कुमार, शिवम महतो, दिनेश महतो, अरुण चंद्रवंशी, विनोद कुमार सिन्हा, गौतम कुमार, सन्नी कुमार, राजीव कुमार समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। देखिए एक रिपोर्ट। पहली बात तो कहते हैं कि अपराधी चरित्र वाले व्यक्ति जो न्याय की मंदिर थाना होता है वो थाना में सुबोध कुमार को बैठा दिया गया। ये प्योर अपराधी चरित्र के लोग हैं, व्यक्ति हैं।
सारे असामाजिक तत्वों को थाना में बैठा कर रखते हैं। आप सीसीटीवी फुटेज एसपी साहब से मांग किए हैं कि सीसीटीवी फुटेज से और इनका मोबाइल फोन डिटेल है, किन किन अपराधियों से बात करते हैं। सारे शराब माफियों का 6 महीने का निकाल कर देखिए, ये थानेदार नहीं है, ये प्योर अपराधी है। और ऐसे अपराधी को संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। अगर बैठेंगे तो न्याय वहां से नहीं मिलेगा और न्याय का मंदिर ध्वस्त हो जाएगा। थाना न्याय का मंदिर है, अपराधी का मंदिर नहीं है। और अपराधियों को बैठाने आप जल मुहैया करते हैं। ऐसे थानेदार के खिलाफ हम लोग लड़ाई का शुरुआत किए हैं और आगे जनसभा के माध्यम से पूरे जिला में उनके काली कुतूतों का पर्दाफाश करेंगे। और न्याय रथ मुख्यमंत्री जी का आ रहा है समाधान रथ, अगर इनको 24 घंटे के अंदर हटाया नहीं गया तो 4 तारीख के भी मुख्यमंत्री हम लोग खराब करेंगे। भ्रष्ट और आपराधिक चरित्र और संविधान को उल्लंघन करने वाले थाना प्रभारी को अविलंब बर्खास्त किया जाए। जो सीसीटीवी कैमरा में दर्ज है, थाना के सीसीटीवी कैमरा में देखा जाए पूरे मामला दर्ज है, दूध दूध पानी पानी हो जाएगा। और उसके बाद उसे अपराधी को छोड़ दिया गया। सेम केस में 2009 में राजू को चुनाव लड़े थे, लाइसेंसी आंख था तो राजू को भी जेल भेजा जाता है। और सेम केस जब राजू ऊपर कोई क्लेम नहीं था, कोई आरोप नहीं था, आई इन्होंने हमारे भाई पर गोली चलाया, FIR था, उसको भेज दिया गया। ये बता दे बड़ा बाबू के इनके क्या रिश्ता है। बड़ा बाबू के कहना है कि वो सीट पर बैठने के चलते लड़ाई हुआ है। तो बड़ा बाबू वहाँ पर मौजूद थे, आप मौजूद थे, आप जब बोल रहे थे बताइए आप मौजूद थे। बड़ा बाबू से पूछे मौजूद थे वहाँ। बड़ा बाबू शराब माफिया संचालक शराब बेचने वाला जो भी है सब पर नजर है। और बड़ा बाबू जो कह रहे हैं करना में नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी, हमारी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी। शराबबंदी को खुलेआम बच्चे का दिखाना पड़ा हूँ। ऐसे थाना प्रभारी के खिलाफ अभी तो अंगड़ाई है, 15 के बाद बड़ी लड़ाई करने के तैयार है। अपराधियों से छोड़ा गया है, शराब माफिया जो संरक्षण है उसको विलंब कर। उनको कहा गया है कि लाइसेंसी राइफल अथी है, मोजर है। राजू के पास कौन राइफल था? आप यहाँ पत्रकार है, आप पत्रकार है। राजू को समय नौ मिथन है, विनीत विनायक एसपी साहब थे, सिंधु से थाना प्रभारी था, राजू के साथ आपका हथियार था। यही थाना में एक आदमी के लिए कानून कुछ होता है, दूसरे के लिए कुछ होता। कानून एक है तो सबके लिए तो एक होना चाहिए। क्या नाम हुआ? धनंजय कौर पप्पू यादव, रवि जी से भी ले लीजिए।